हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल वंस अगेन। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचाए। और साथ ही साथ जो है, आप प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो टॉपिक से रिलेटेड मिल जाए। आज का हमारा टॉपिक है, ऑफिस मैनेजमेंट का टॉपिक है, ऑटोमेशन इन ऑफिस। सो लेट बी द मीनिंग ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या होता है? ऑटोमेशन मीन्स के जब हम डिवाइसेस का यूज़ करते हैं जिसके कारण हमारी ह्यूमन लेबर को सेव किया जा सकता है। जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में काम करे जाते हैं जहाँ पे 10-15% ह्यूमन लेबर जो है मिलके एक काम को पूरा करती है, वहाँ पे अगर एक मशीनरी वो काम को ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बहुत थोड़े टाइम में उसको कंप्लीट कर रही है तो वो क्या होएगी? ऑटोमेशन। तो जब हम उन ह्यूमन लेबर की जगह के ऊपर उस मशीनरी का यूज़ करेंगे वो होएगी ऑटोमेशन। सो इसमें अकेला यही इन्वॉल्व नहीं होता है कि हम ये नहीं सोच सकते हैं कि ह्यूमन एफर्ट्स के लिए उसका एक सब्सिट्यूट हमने एक ढूंढ लिया, एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया मशीनरी के रूप में, बल्कि ये भी बोल सकते हैं कि जो ये मैकेनिकल फीडबैक है वो एक साइंटिफिक सिस्टम है, हर चीज़ को हम साइंटिफिक वे से कर सकते हैं। तो इस कंसेप्ट में, ऑटोमेशन के कंसेप्ट में ये बताया गया है कि जो ऑटोमेशन है वो सबसे पहले फैक्ट्रीज में अप्लाई करा गया, उसके बाद इनके एडवांटेजेस देखते हुए जितने कस्टमर्स को एडवांटेजेस दिखे और साथ में मैन्युफैक्चरर्स को दिखे, उसके साथ साथ जो है उन्होंने बाद में किसमें यूज़ करना शुरू कर दिया, सभी टाइप की ऑफिसेज में एप्लीकेबल कर दिया गया। चाहे वो लाइफ का कोई भी फील्ड हो, वहाँ पर उन्होंने ऑटोमेशन लेके आनी ज़रूरी समझी, और जो है टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के साथ हर फील्ड में ऑटोमेशन करनी कंपलसरी हो गई। मैकेनाइजेशन मींस की मशीन की जो यूज़ करना है वो क्या होएगा? यूज़र मशीन, जिसके साथ हम ह्यूमन लेबर को क्या कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं। और ये एक मेंटल वर्क है जो किया जाता है ह्यूमन के माइंड को सेटअप करने के लिए, या फिर ये बोल सकते हैं कि मेंटल वर्क जो है उसको रिमूव करने के लिए, ह्यूमन माइंड को रिलैक्सेशन देने के लिए मशीन का यूज़ करा जाने लगा, यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। और बट अगर हम बात करेंगे ऑटोमेशन की, तो मेंटल वर्क जो है वो मशीन के साथ किया जा रहा है। जैसे पहले हर एक काम ह्यूमन खुद करता था, जिसके कारण मेंटल वर्क पूरा किसके ऊपर डिपेंड था कि ह्यूमन के माइंड के ऊपर, ह्यूमन के एफर्ट के ऊपर, ह्यूमन लेबर कितना फोर्स करिए, अपने स्किल कितनी यूज़ करिए, उसके ऊपर डिपेंड करता था। लेकिन जब भी ये मशीन का दौर आया, या फिर ये समझो जब से ऑटोमेशन आई, तब से जितना भी मेंटल वर्क है वो ह्यूमन के, मतलब ह्यूमन को छोड़ के कौन सी चीज़ यूज़ करनी शुरू कर दी गई? मशीन्स। मीन्स के जो काम ह्यूमन करता था वो सारा काम किसने करना शुरू कर दिया? मशीन ने। सो इसके साथ जो है ये बोल सकते हैं कि जो ऑटोमेशन है वो मैकेनाइजेशन का नेक्स्ट स्टेप है। मतलब जितनी जितनी इनोवेशन आती जाए उतनी उतनी चीज़ें ऑटोमेटिक होती शुरू हो गई। इसके बाद है नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द ऑटोमेशन। अब हमें क्या ज़रूरत है, इम्पॉर्टेंस क्या है ऑटोमेशन की? सबसे पहली है स्पीडी परफॉर्मेंस। स्पीडी परफॉर्मेंस में क्या है कि जितना, अगर हम बात करेंगे कि जो हम काम मैन्युअली करते थे उसको करने के लिए बहुत टाइम लगता था मेंटल वर्क के लिए, या ये बोलो कि ह्यूमन लेबर जो काम करती थी उसके लिए बहुत ज़्यादा उनको जो है टाइम लगता था उसको काम करने के लिए, या स्लो प्रोसेसिंग होती थी। तो जो अभी ऑटोमेशन आई, जैसे कंप्यूटर सिस्टम्स हो गए, मशीनरीज आ गई, हर चीज़ को ऑटोमेटिक कर दिया गया, उसके ज़रिए क्या हुआ कि जो हमारी स्पीड है परफॉर्मेंस की, काम करने की स्पीड है, उसमें बहुत ज़्यादा क्या होगी? एनहेंसमेंट होगी। और जो भी एक पर्सन पहले जो टाइम उसे ज़्यादा लगता था काम करने में, अब वो कुछ ही टाइम में, बहुत ही कम समय में उसको कंप्लीट कर दिया जाता है टास्क को। इसका ये मतलब हुआ कि जो स्पीड है परफॉर्मेंस की वो इंक्रीज हो गई ऑटोमेशन के साथ। आगे है एक्यूरेसी। तो जो हमारा काम है ऑटोमेशन के साथ, उसमें एरर के चांस बहुत कम हो गए, क्योंकि मैनुअल जब भी काम किया जाता है तो उसमें एरर्स की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। तो जब से जो है ये ऑटोमेशन आनी शुरू हो गई, जब मशीनरीज का यूज़ करना शुरू कर दिया, तो जो भी
मिस्टेक्स हैं, एरर्स हैं, उनकी जो भी चांसेस हैं वो कम हो गए, तो एक्यूरेसी जो है उसमें ज़्यादा इंक्रीज हो गई। आगे है रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, और इसी के साथ जो है मेन ऑब्जेक्टिव जो एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करना। तो जब जो है एक ह्यूमन लेबर कम लगनी शुरू होगी किसी को टास्क को पूरा करने के लिए, तो अगर एक काम करने के कॉस्ट कम हो गई, ऑब्वियसली कॉस्ट कम होने से लोगों में वो चीज़ें जो है ईजिली डिस्ट्रीब्यूट होनी शुरू हो जाएंगी, सप्लाई होनी शुरू हो जाएंगी। कॉस्ट कम होने की वजह से जो मैन्युफैक्चरर है उन्हें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जब वो पहले वो चीज़ ह्यूमन करता था, उसे ह्यूमन को देना पड़ता था मैन्युफैक्चरर को, अब वो चीज़ें किसके लिए यूज़ करेगा, अपनी मशीनरी के लिए यूज़ करेगा। तो ये बोल सकते हैं कि जहाँ पे एक काम को करने के लिए 10% जो है वो काम करते हैं, अब उनकी जगह पे एक मशीनरी और उसके साथ में उसको चलाने वाला एक पर्सन काम करेगा, जहाँ पे 10% की कॉस्ट लगेगी वहाँ पे सिर्फ वो चीज़ एक पर्सन ही ले रहा है, तो इसलिए उसका प्रॉफिट क्या हुआ, ज़्यादा। और काम की करने की टास्क को पूरा करने की कॉस्ट क्या होगी, रिड्यूस। नेक्स्ट इज मोर आउटपुट, जितना ज़्यादा मतलब स्पीड के साथ परफॉर्मेंस होगी एक मशीनरी की, उतनी ज़्यादा आउटपुट उसकी ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली अगर 10% मिल के 1000 प्रोडक्ट वो 2 दिन में बना रहे हैं, तो अगर वही बात करें एक मशीनरी अकेली वो 10% की जगह पे काम वही 2 घंटों में कर रही है, तो वो बेनिफिट क्या हुआ, जितने वो 2 दिनों में काम पूरा कर रहे हैं वो 2 घंटों में हो रहा है, तो उसके लिए क्या हुआ, मोर आउटपुट। तो उतने 2 दिनों में तो बहुत सारा काम निकल आएगा, बहुत सारी चीज़ों की प्रोडक्शन हो जाएगी, तो मोर प्रोडक्शन भी इसमें जो है इसलिए ज़रूरी है ताकि आउटपुट भी ज़्यादा आए हमारे पास। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन फ्रॉड, जैसे हमने पहले बोला कि मिस्टेक्स कम हो रही हैं, काम जल्दी से हो रहा है, तो इसके साथ ऑटोमेशन के साथ फ्रॉड की चांसेस भी कम हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, फ्रॉड कम होना मींस के प्राइवेसी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हम पासवर्ड्स वगैरह लगा सकते हैं ऑटोमेशन के लिए, जिसके साथ कोई और पर्सन आके हमारी चीज़ों को मिसयूज़ ना करे, तो फ्रॉड की बहुत कम जो है यहाँ पे चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि मैनुअल प्रोसेस में बहुत सारे पर्संस इन्वॉल्व होते हैं, ग्रुप ऑफ पर्संस होते हैं, तो कोई भी चीज़ जो है वो सीक्रेट नहीं रहती, फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर ऑटोमेशन की बात करें, हर एक चीज़ मशीनरी में हो जाती है रिकॉर्ड और स्टोर कर सकते हैं, अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर किया है या कोई डाटा रखा हुआ है तो वो हमारे कंप्यूटर में या मशीनरी में जो भी हम यूज़ करें उसमें रिकॉर्ड हो जाता है, तो इसलिए फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि हम उसको सिक्योर कर सकते हैं विद द पासवर्ड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड गुडविल, गुडविल होता है रेपुटेशन। अगर एक कंपनी बहुत अच्छे से काम कर रही है, अगर एक कंपनी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रही है, अगर एक कंपनी उसको इजीली रन आउट कर रही है, तो उसके साथ साथ क्या हुआ, तो उसकी गुडविल भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कैसे, अगर एक चीज़ बनाने के एक टास्क को करने के लिए या कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए कॉस्ट कम लग रही है, ज़्यादा जल्दी बन रहा है और बहुत ज़्यादा ईजी वे से अवेलेबल हो रहा है प्रोडक्ट, और साथ में ये बोल सकते हैं कि जिसको यूज़ करना लोगों के लिए, कस्टमर्स के लिए भी ईजी है, और वो सारी चीज़ें क्या होंगी, उस कंपनी के लिए क्या बनाएंगी, उसकी गुडविल बनाएंगी, रेपुटेशन बनाएंगी। तो ऑटोमेशन, जितनी ज़्यादा इनोवेटिंग चीज़ें यूज़ करके एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को, अपने टास्क को पूरा करेगी, वो उसकी गुडविल उतनी ज़्यादा क्या होगी, इंक्रीज होगी। When should a machine be used? एक मशीन को कब यूज़ किया जाता है? तो 5 हमारे पास पॉइंट्स अवेलेबल हैं। पहला पॉइंट है प्रेजेंट मेथड। तो आज के दिनों में अगर प्रेजेंट की बात करेंगे, तो हर एक चीज़ को एग्जामिन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ को परफेक्ट बनाने के लिए उसको एग्जामिन करना इम्पॉर्टेंट माना जाता है आज के टाइम पे। तो ये बोल सकते हैं कि इट शुड बी एग्जामिन, हर एक चीज़ को एग्जामिन किया जाता है। वेदर, जब भी जो है प्रेजेंट मेथड के साथ जो भी मशीन्स हैं उनके साथ काम करा जा रहा है,
तो अगर हम ये देखें कि अगर किसी भी टास्क को पूरा किया गया है, जब पूरा करा जा रहा है, जब कोई भी काम हो रहा है, तो हम इसके साथ साथ प्रेजेंट मेथड के साथ क्या कर सकते हैं, उस चीज़ों को इफ़िशेंट बनाने के लिए एग्जामिन कर सकते हैं दोबारा जाके कि जो हम काम कर रहे हैं वो रेलेवेंट वे से हो रहा है, जितना चाहिए उतना हो रहा है, कि ये तो नहीं है किसी चीज़ की वेस्टेज तो नहीं हो रही, वो इफ़िशेंटली वर्क कर रहे हैं, इफ़ेक्टिव वे में वर्क कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम आज के जो ऑटोमेशन वाला मेथड है उसके साथ हर एक चीज़ को ईच एंड एवरी थिंग शुड बी एग्जामिन्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ वर्क, वर्क को करने के लिए जो काम को करने की वॉल्यूम है, क्षमता है, कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो क्या होएगी, इंक्रीज होएगी। जितना ज़्यादा हम जो है किसी चीज़ को मशीनरी के साथ करेंगे उतना वो कम समय में रेलेवेंटली वर्क करेगी। ये बोल सकते हैं हमारा आउटपुट इंक्रीज होएगा, मैनुअल प्रोसेस के साथ वो चीज़ स्लो हो जाएगी, और इसीलिए जो मशीनरी है, ऑटोमेशन है, वो हमारी एबिलिटी को और क्या करेगी, इन्हेंस करेगी, और साथ में जो है हमारे आउटपुट की प्रोडक्टिविटी क्या करेगी, इन्हेंस करेगी। नाउ नेक्स्ट इज एक्यूरेसी ऑफ वर्क, वर्क में बिल्कुल एक्यूरेसी होएगी, मिस्टेक्स कम होएंगी, एरर की चांस बहुत कम होएंगे, ऑटोमेशन ज़्यादा है, एरर्स कम होएंगे, तो साथ ही साथ करेक्ट होएंगे, अगर हो रहे हैं तो साथ ही साथ करेक्ट हो सकते हैं मशीनरी के साथ, ऑटोमेशन के साथ। स्पीड, स्पीड में क्या है, ज़्यादा टाइम नहीं ले रही है मशीनें काम करने के लिए, जितना वो 2 दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं वो 2 या 3 घंटों में कर रही है मशीनरी, तो काम की प्रोडक्टिविटी की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मशीनरी कब यूज़ करनी होगी, पहले ही जब प्रेजेंट मेथड यूज़ करना हो, हमने अपने वर्क का वॉल्यूम बढ़ाना हो, जब हम चाहते हैं कि हमारे वर्क में कोई भी एक्यूरेसी मतलब मिस्टेक्स कम हो, एक्यूरेट रहे हमारा काम, और हमने अपने प्रोडक्टिविटी की स्पीड बढ़ानी हो, एंड लास्ट में ऑपरेटिंग कॉस्ट को क्या करना हो, कम करना हो। जो चीज़ें हम ऑलरेडी इंपॉर्टेंस में बढ़ चुके हैं वही हमारी ज़रूरत होएगी, जब वही बोलेंगे वो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हम एक मशीनरी का यूज़ करेंगे। टू द एफेक्ट्स ऑफ ऑटोमेशन, अब इसके क्या इफेक्ट पड़े, क्या नुकसान हुआ हमारे लिए। पहला, अनएम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली यहाँ पे जो 10 बंदे काम कर रहे थे, अब यहाँ पे एक मशीनरी काम कर रही है, तो अब जो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, वो 10 बंदों को निकाल देगा, क्योंकि उसे सैलरी देनी पड़ेगी, तो उससे कम अमाउंट में वो क्या करेगा, एक पर्सन उसके लिए ऑप्ट कर लेगा मशीन के लिए, उसको वो हैंड ओवर कर देगा और पूरा काम वो देखेगा, जहाँ पे वो 10 बंदे काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई एक काम कर रहा है और मशीनरी उन सभी पर्सन का काम कंप्लीट कर रही है, तो वो क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई। अगर मशीन को रिप्लेस करा गया, मीन्स के ह्यूमंस को रिप्लेस करके मशीनरी जलाई गई, तो जो 10 के 10 बंदे हैं वो तो सारे अनएम्प्लॉय हो गए, बेरोजगार हो गए, उनको तो काम नहीं मिलेगा, वो काम नहीं कर पाएंगे टाइम पे, तो सॉरी उनको काम नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, तो उनकी फैमिली के नीड्स को पूरा नहीं हो पाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। ह्यूज इन्वेस्टमेंट में क्या है, मीन्स के बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो होंगी, कैसे, जैसे कि ऑटोमेशन की प्रोसेस को रिक्वायर करा गया, उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, क्योंकि अगर एक मशीनरी लेके आ रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए हमें पैसा भी चाहिए लाने के लिए, तो जब भी किसी मशीनरी को लाया जाएगा तो वो एक्सपेंसिव होएगी, एक्सपेंसिव है दैट मीन्स कि हमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए उसको खरीदने के लिए, राइट। तो इसलिए ऑटोमेटिक मशीन जो है वो बहुत कॉस्टली होती हैं, ज़्यादातर वो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं होती, हमें फॉरेन से इम्पोर्ट करवानी पड़ती हैं, तो इसलिए इसकी कॉस्ट क्या होएगी, ज़्यादा होएगी। तो ये भी इसका इफेक्ट है ऑटोमेशन का, कि हमें उस चीज़ को खरीदने के लिए पैसा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। आगे है अनसुटेबिलिटी फॉर स्मॉल फॉर्म्स, क्योंकि अब जो हमारी इंडिया में या हमारी कंट्री में छोटी छोटी फॉर्म्स जो हैं, जो इतना ज़्यादा अर्निंग नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अपनी फैमिली को मतलब फैमिली को चलाने के लिए, उनकी सर्वाइविंग के लिए चला रही हैं, अपने काम को कर रही हैं, छोटी छोटी फॉर्म जो हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें ऑटोमेशन क्या है, सूटेबल ही नहीं है, क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए
पैसा नहीं होता है, वो उतना ही कमाते हैं जितने उनके रेलेवेंट है, और वो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स के साथ ही अपने बिजनेस को, अपनी फर्म को चलाते हैं। तो ये मान सकते हैं कि उनके लिए सूटेबल ही नहीं है छोटी फर्म्स के लिए कि वो एक जो हमारी ये ऑटोमेशन है उसका यूज करके क्या कर पाए, इस चीजों को लेके आ पाए। या ये बोलो कि ऑटोमेशन का हमारी जो छोटी छोटी फर्म्स है उनके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, जिसके कारण वो ये मशीनरीज को परचेज ही नहीं कर रही है, और उनके लिए फिर इकोनॉमी में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बड़ी कंपनी जो ऑटोमेटिक मशीन अप्लाई कर रही है, इनोवेटिव है, स्मॉल फर्म्स उसको नहीं खरीद पा रही है, तो इनके लिए उनका जो कंपटीशन है वो क्या हो जाएगा, कंपटीशन में पीछे रह जाएंगी। तो इसलिए उनकी जो है जो सूटेबल नहीं है उनके लिए, तो ये उनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। स्मॉल फर्म्स को है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करती हैं बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन। एंड लास्ट इज चेंज इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो अगर हम ये बोलें कि मशीनरीज हम लेके आ रहे हैं, तो इसके कारण क्या होगा, अगर एक पर्सन के पहले टास्क को चेंज करने पड़ेंगे, रूल चेंज करने पड़ेंगे, उस चीज़ को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग उनकी ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, ड्यूटीज़ मतलब काम का नेचर ही चेंज हो जाएगा, एम्प्लॉयज़ भी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जो पहले काम हाथ से करने वाले पर्सन हैं उनकी जगह पर हमें स्किल्ड पर्सन लाने होंगे। और ऑब्वियसली अगर वो स्किल्ड पर्सन आएंगे वो सैलरी ज़्यादा चार्ज करेंगे, सैलरी चार्ज करेंगे तो हमें उनको ढूंढने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, राइट। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को क्या करना पड़ेगा, पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे हमने पीछे जो टॉपिक किया है, सॉरी पॉइंट किया है स्मॉल फार्म्स वाला, अगर स्मॉल फार्म जो है वो इस चीज को, वो छोटी फार्म है, छोटे लेवल के ऊपर काम कर रही है, तो उनके लिए अपने स्ट्रक्चर को चेंज करना बहुत ज्यादा बड़ा एक काम हो जाता है, तो उनके लिए ये प्रॉफिटेबल नहीं है। तो ये मान सकते हैं कि उसको अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को भी चेंज करना पड़ेगा अगर वो अपनी हर एक चीज को सूटेबिलिटी के साथ करना चाहते हैं। तो इफेक्ट आपको समझ में आ गए होंगे। पहले तो इसके कारण, ऑटोमेशन के कारण हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, क्योंकि मशीनरी का यूज जो बंदे रिड्यूस कर दिए जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे काम से, तो वो तो बेरोजगार हो गए, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ, इसको इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए मशीनरी लाने के लिए, छोटी फार्म्स के लिए सूटेबल ही नहीं है, कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव जो कॉस्टली मशीनरी उनको ला के यूज करें। उसके बाद हमारा पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो चेंज करना पड़ेगा अगर हमने ऑटोमेटिक और इंपोर्टेड मशीनरीज को यूज करके हमारी फॉर्म को रन आउट करना है। एडवांटेजेस ऑफ ऑफिस मैकेनिज्म। अब इसके एडवांटेजेस क्या है हमारे पास, इसके क्या फायदे हैं अगर हम मैकेनिज्म लेके आ रहे हैं जहाँ हमें मशीनरी यूज करें ऑफिस में। पहला, हमारी काम की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, ये तो क्लियर ही है। अगर हम अपने काम को कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी जो भी इम्प्रूवमेंट है वो दिख जाएगी, उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। उसके बाद इकोनॉमी इन ऑपरेशन, जितनी भी इकोनॉमी में काम करे जा रहे हैं, मतलब जो भी काम कर रहे हैं वो इकोनॉमी से रिलेट होंगे, इकोनॉमी से रिलेट मतलब के हमारी इकोनॉमी में देखते हुए साथ में लेके चलेंगे, राइट। जैसे ऑपरेटिंग साइकिल जो है, हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट साथ में देखेंगे कि एक घंटे में कितना काम हो रहा है, उस हिसाब से हमारी मशीन्स का यूज किया जाएगा और सेव भी किए जाएंगी, सैलरी कितने एम्प्लॉयज को जाएगी उस हिसाब से, और कुछ मशीन की जो परफॉर्मेंस है वो नंबर ऑफ ऑपरेशंस कर सकती है, तो जिसके कारण वो कॉस्ट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। मींस क्या है कि हमारी इकोनॉमी में जो ऑपरेशंस है वो सारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो ये भी इसका एडवांटेज है। नेक्स्ट इज ग्रेटर स्पीड। मशीन की बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड होती है एज कंपेरेटिव टू ह्यूमन, तो ये भी इसका एडवांटेज है कि अगर हम ऑफिस में मशीन लेके आ रहे हैं तो वो जल्दी जल्दी हर काम को करेगी, तो स्पीड के साथ करेगी, इंक्रीज इफिशेंसी, काम हमारा टाइम पे पूरा हो जाएगा, काम हमारा टाइम से पहले ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन जितना टाइम ले रहे हैं काम को करने के लिए, उससे बहुत ज़्यादा कम टाइम में जो है हमारी मशीन्स काम कर रही हैं। तो ये बोल सकते हैं कि एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए इफिशेंसी इंक्रीज हो जाएगी, बेटर एक्यूरेसी, मिस्टेक्स की चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, तो एक्यूरेट वर्क ज़्यादा होएगा, बेटर कंट्रोल, हर एक चीज़ को अच्छे ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं, लेस टैक्स ऑन प्रॉफिट,
प्रॉफिट के ऊपर हमें कम टैक्स पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हम जो है कॉस्ट कम बेयर कर रहे हैं, तो इसलिए उसके लिए प्रॉफिट कम, मतलब प्रॉफिट के ऊपर टैक्स कम पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे कि ये बोल सकते हैं कि टैक्स के लॉज हैं जो मशीनरीज जो है उनके ऊपर क्या लगती है, डेप्रिसिएशन लगती है। तो डेप्रिसिएशन लग रही है, दैट मींस कि हमारी मशीनरी की क्या होगी, वैल्यू रिड्यूस होगी। डेप्रिसिएशन होता है उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर देना। अगर एक मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हो गई, दैट मींस ये बोल सकते हैं कि उसके कारण क्या होएगा, हमें टैक्स पेमेंट कम करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। आगे है मेंटर रिलीफ। मेंटर रिलीफ में क्या है कि पहले जो काम है वो ह्यूमन अब एक बर्डन के साथ कर रहा है, तो जब एक ह्यूमन की जगह पे मशीन काम करेगी तो मेंटली जो रिलीफ है वो ह्यूमन को हो जाएगा, उसके ऊपर काम का बर्डन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस फिजिकल लेबर, फिजिकल लेबर ह्यूमन लेबर को लेके आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जहाँ पे 10 बंदे काम करें वहाँ पे एक मशीनरी काम कर रही है, तो इसलिए ह्यूमन फिजिकल लेबर की रिड्यूस कर दिया जाएगा, लोगों को सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, वो काम किसके लिए यूज किया जाएगा, मशीनरी के लिए। रिड्यूस चांस ऑफ एरर्स, फिर से वही चीज, किसके साथ हमारे एरर्स मिस्टेक्स जो है वो रिड्यूस हो जाएंगी और बहुत कम मिस्टेक्स होंगी करने के लिए, अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें मिस्टेक्स रेयर होएंगे चांस। फैसिलिटेट स्टैंडर्डाइजेशन, इसके साथ हमारी जो भी कंपनी में काम हो रहे हैं वो सारे एक प्रोसीजर में होंगे, रूटीन में होंगे, कॉन्टिन्यूटी के साथ होंगे, कोई कंसिस्टेंसी के साथ होंगे, दैट मींस कि स्टैंडर्ड एक फिक्स हो जाएगा, फैसिलिटेट होएगा एक स्टैंडर्ड फिक्स करने में ऑटोमेशन। रिड्यूस चांस ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड के चांस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे अगर हम ऑटोमेशन का यूज़ करें, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, बोल चुकी हूँ कि अगर हम जो है मशीनरी का यूज़ कर रहे हैं तो हर एक चीज़ इसमें प्राइवेसी के साथ करी जाती है, सिक्योर्ड होती है, तो इसलिए ये उनके लिए हेल्पफुल है कि एक मशीनरी को उसने कैसे क्या करना है, राइट। इज डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑफिस मैकेनिज्म, अब हमने देखा कि पहले उसके एडवांटेज क्या है, अगर एक चीज़ के एडवांटेज है तो ऑब्वियसली उसके डिसएडवांटेज भी होंगे, मीन्स कि अगर एक चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं तो अगर हम उसके बेनिफिट देख रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके कोई ना कोई नुकसान भी तो होंगे, लिमिटेशंस भी होंगी, तो वो क्या है, पहली हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इसको लगाने के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज़्यादा होएगी, मीन्स कि एक मशीन लेके आ रहे हैं तो उसको पहले पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे तभी वो मशीन आएगी। नेक्स्ट इज हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये भी है कि अगर हम वो रूटीन में वर्क कर रही है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, ऑपरेटिंग होता है जो डेली के काम हो रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग जो है सर्टेन टाइप ऑफ मशीन्स या इक्विपमेंट जो होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर मान लिया जाए कोई मशीनरी हमने इम्पोर्ट करवाई है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर उसको कार चलाने के लिए कॉस्ट भी ज़्यादा ही लगेगी। एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग, सबसे पहले तो हमें ट्रेंड पर्सन चाहिए जिनको वो मशीन चलानी आ रही हो, तो अगर वो पर्सन ही नहीं है तो प्रॉब्लम होएगी हमें ट्रेंड पर्सन लेके आने के लिए, तो वो भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें हमारे पास ट्रेनिंग वाले या ट्रेंड पर्सन अवेलेबल होने चाहिए उन मशीन्स को चलाने के लिए। अगर ट्रेंड पर्सन ही नहीं है तो मशीन ला के क्या करोगे, अगर किसी को वो चलानी ही नहीं आएगी तो काम तो होगा नहीं, टास्क तो पूरा नहीं होगा, तो ये उसके लिए क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम फेस होगी। आगे हाई कॉस्ट ऑफ ब्रेकडाउन, हाई कॉस्ट ऑफ ब्रेकडाउन्स में क्या है, ब्रेकडाउन्स मींस के प्रूव वेरी कॉस्टली, मींस के जो भी काम हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा मनी लग रही है, बहुत सारा टर्म्स मतलब टाइम लगेगा, क्योंकि पहले एक पर्सन को सीखना पड़ेगा तभी उसके ऊपर काम करेगा, अगर एक पर्सन को उस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो उसको क्या होएगी, पहले तो जैसे आपको बताया एग्जांपल ले लो, आप एक एक्टिवा चलानी शुरू कर रहे हो, आप एक एक्टिवा सीख रहे हो, अगर आपको चलानी ही नहीं आती तो आप, अगर आपको यही नहीं पता है उसका हैंडल कैसे आपने कंट्रोल करना है तो उससे क्या होगा, अगर आपसे हैंडल नहीं कंट्रोल होगा ऑब्वियसली आप किसी ना किसी चीज़ के बीच में जाके टकराओगे, तो वो क्या होगा, ब्रेकडाउन हुआ, मुश्किल पैदा हुई आपके लिए। उसी तरह ये है कि अगर आपके पास आप मशीनरी ले आए, आपको चलाना नहीं आ रहा है तो आप उसके ऊपर काम कैसे करोगे, तो ये क्या हुआ कि जो ब्रेकडाउन्स है वो ये प्रूफ कर रहे हैं वो कॉस्टली तो होंगे ही, साथ में उसको करने के लिए लॉट्स ऑफ मनी चाहिए, ठीक है, और रियल टर्म्स उनको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और साथ में ड्यू टू ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन के कारण क्या होएगा, जो काम है वो हेल्ड अप हो जाएगा, डाउन चला जाएगा, और जो काम है वो डिसलोकेटेड हो, जो काम है वो डिसलोकेटेड हो जाएगा, मतलब सही टाइम पे नहीं होएगा, गलत टाइम पे होएगा, वो उसकी रेलिवेंट वे से नहीं होएगा, ये मीनिंग है। किल्स क्रिएटिविटी,
देखो अगर एक ह्यूमन काम कर रहा है वो अपनी क्रिएटिविटी के साथ कर रहा है, राइट। तो अगर मशीन्स ही वो सारी चीजें कर रही हैं तो ह्यूमन की क्रिएटिविटी क्या हो गई? खत्म हो गई, जीरो हो गई। तो इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि ह्यूमन लेबर की क्रिएटिविटी को क्या कर रहा है? मार रहा है, किल कर रहा है। अंडर यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन में क्या है, जो मशीन्स हैं वो फुलफिल, ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक चीज को फुलफिल करे, राइट। वैसे कि एक चीज के बहुत सारे अल्टरनेटिव हो सकते हैं यूज करने के लिए। तो अगर एक मशीन है तो अगर वो एक ही टास्क को पूरा करेगी जिस चीज के लिए वो मशीन होएगी, तो उसका अलग अलग जगह पे अल्टरनेटिव यूज बोल सकते हो, अलग अलग जगह पे यूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जब ये बोल सकते हो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑफिस सिस्टम, अब ये है कि जो मशीन्स हैं वो ट्रेंड में तो है, ऑफिस में हम लेके तो आ सकते हैं, लेकिन वो इनफ्लेक्सिबल है, ये नहीं है, हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते अपने हिसाब से, चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर एक मशीनरी आ गई और अगर मार्केट में कोई और मशीनरी उसकी जगह पे और आ गई, इनोवेटिव आ गई, तो उस मशीनरी से तो हमें लॉस वेयर करना पड़ेगा ना, तो वो चेंज तो नहीं होएगी। तो यही है कि जो भी ऑफिस का सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग उसको ढालना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि हमें खुद को मशीन के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, मशीन हमारे अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी। तो यही है कि जो भी ये मशीन्स हैं उनके लिए स्किल्ड लेवल की जरूरत पड़ेगी ऑपरेशंस के लिए। तो अगर जो है ऑपरेटर ही नहीं होगा देन वो मशीन हमारे लिए क्या हो गई? यूजलेस हो गई। तो इसलिए ये क्या हुआ, ऑफिस का सिस्टम इसके अकॉर्डिंग इनफ्लेक्सिबल होएगा, तो ये भी इसके लिए डिसएडवांटेज ही है। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, ये हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि अगर एक मशीनरी आ गई उसकी जगह पे जितने पर्संस काम कर रहे थे वो सारे तो अनएम्प्लॉय हो गए, तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी यहाँ पे फेस हो रही है। नेक्स्ट इज रिस्क ऑफ ऑबियंस, ऑबियंस होते हैं हार्डल्स, कोई ना कोई अनहैपनिंग हो जानी, अनसर्टिनिटीज आ जानी, तो ये भी रिस्क है, कोई भी चीज़ हो सकती है। टेक्नोलॉजिकल, कोई भी जो है अगर किसी को टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही नहीं है उसको कैसे चलाना है, तो रिस्क तो बेयर करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो ओल्ड लेबर्स होंगे उनको तो उन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। और ये भी नहीं है कि अगर एक मशीनरी के ऊपर हमने इन्वेस्ट कर दिया वो कितने टाइम तक चलेगी, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये है कि इसमें क्या होएंगी, अगर कोई भी रिस्क हो रहा है तो वो हमें खुद को बेयर करना पड़ेगा, जो भी ऑफिस वाले लेके आए उनको बेयर करना पड़ेगा। तो रिस्क के लिए ये क्या हो जाए, जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया उसके कारण हमारे पास ट्रेंड पर्सन ही नहीं उस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए, तो फिर वो तो हमारे लिए रिस्क बेयर करना हो गया ना, ना ही तो प्रोडक्टिविटी होएगी, ना ही सेल होएगी, तो कैसे करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाएंगे। नाउ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग चॉइस ऑफ ऑफिस मशीन्स, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ऑफिस की मशीन की चॉइसेस में चेंजेस लेके आ सकते हैं। पहले यूजलेसनेस, इसमें क्या होएगा, ये सबसे ज़्यादा कंसीडर किया जाता है चॉइस के लिए, कि अगर एक मशीन जो है रियली यूजफुल है और ज़रूरी है तब तो उसको परचेज भी करना है, अगर वो छोटी अमाउंट के ऊपर भी है, राइट। तो अगर दूसरे साइड पे अगर मशीन जो है वो कॉस्ट उसकी कम है लेकिन यूजफुल भी नहीं है, तो बट एक हमारे लिए वो एक बैड डील हो जाएगी, गलत डील हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मतलब मशीनरी को कौन से फैक्टर्स हैं, पहले ये देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे होगा, कोई भी चीज़ लेके आ रहे हैं पहले ये देखते हैं इसको यूज़ कैसे करेंगे, अगर वो हमारे यूज़फुल ही नहीं है तो हम उस चीज़ को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, राइट। तो इसके लिए यूज़फुलनेस हमारे लिए सबसे बड़ा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है मशीन की चॉइस करने के लिए। सेकेंड इज कॉस्ट, अब हम कॉस्ट भी देखते हैं, कॉस्ट में क्या होएगा, हम ये देखते हैं कि हमारे पास जितनी भी जो है मशीन्स बन रही हैं वो लेने के लिए जो हमें कॉस्ट लगेगी वो कितनी है, मतलब वाइल हम बाइंग करने के लिए जाते हैं, खरीदने के लिए जाते हैं, तो हम ये देखते हैं अगर हम खरीद के लेके आ रहे हैं तो उसको खरीदने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, तो वो उस चीज़ों को भी हम अपने ध्यान में रखते हैं, अपने माइंड में रखते हैं जब भी हम किसी मशीनरी को लेने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट इज अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी मतलब कि अभी एक चीज़ लेके तो आए, ये थोड़ी एक वो पर्टिकुलर यूज़ के लिए हो, अगर उसके मल्टीपल यूजेस हैं देन हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, अगर सिर्फ वो एक ही चीज़ के लिए पर्टिकुलर यूज़ के लिए है देन हमारे लिए वो बेनिफिट नहीं रहेगा, राइट। नेक्स्ट इज ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी मीन्स के लॉन्ग टाइम तक एक चीज़ को चलाना, लंबे टाइम तक चलाना, ये नहीं है एक बार यूज़ कर लिया तो वो ख़राब होगी तो फिर तो वो पैसा लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ ना। तो ड्यूरेबिलिटी क्या होएगी,
मशीन जो है वो ड्यूरेबल होने चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। ये ना हो कि एक बार यूज कर ली वो टूट गई या उसमें कोई डिस्ट्रॉय हो गया या डैमेज हो गया, कोई एनी अदर थिंग ऐसी हो गई जिसके कारण हमें उसके ऊपर दोबारा से कॉस्ट लगानी पड़े, तो वो हमारे लिए तो कोई बेनिफिट ही नहीं रहा ना। तो इसलिए हर एक चीज़ ड्यूरेबल होनी चाहिए। अगर हम मशीन लेके आ रहे हैं तो वो ड्यूरेबल हो और लंबे टाइम तक चलने वाली हो, स्ट्रांग हो। नेक्स्ट इज अ पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मीन्स कि ऐसी मशीनरी हो जिसको हम इजीली पोर्ट कर सके, मतलब पोर्टेबल मतलब कैरी करके लेके जा सके। जैसे अगर हम बात करें कंप्यूटर की बात करें, वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली हम लेके जा सकते हैं, राइट। तो ये हो गई पोर्टेबल। मोबाइल फोन्स हैं, वो भी हम इजीली कैरी करके लेके जा सकते हैं, तो वो भी पोर्टेबल है। नेक्स्ट इज सर्विस। सर्विस मीन्स कि कंटिन्यू यूज़ अगर एक मशीन का होएगा, ऑब्वियसली उसकी क्विक रिपेयर भी करवाई जाएगी, मेंटेनेंस भी होगी। तो ये हमारे पास हम ऐसी मशीन का यूज़ करें जिसको हम क्या कर पाएँ, ईजिली उसकी सर्विस भी करवा पाएँ, रिपेयरिंग भी करवा पाएँ, ईजी ऑपरेशन। ऐसी मशीन देखें जो हम ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं, ईजिली चला सकते हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल ऑपरेशन। इकोनॉमिकल ऑपरेशन मतलब कि अगर हम एक चीज़ को कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट कितनी बेयर कर रहे हैं वो भी हमें ध्यान में रखना है कि अगर उस उनसे कोई चीज़ें बन रही हैं तो वो कॉस्ट कितनी बेयर कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी साथ में रखना है। स्टाइलिंग। स्टाइलिंग मीन्स के अगर हम जो है मॉडर्न एंड फाइनेस्ट मशीन का यूज़ कर रहे हैं, इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं आज के दिनों में, तो वो जो आउटसाइडर के इम्प्रेस हो जाए, ऐसी होनी चाहिए जिसके साथ जो आउटसाइडर है उसे इम्प्रेस हो जाए। ये ना हो हम मशीन तो ले आए, उसका सामान बना के बेच रहे हैं और बाहर लोग लेने के लिए रेडी ही नहीं है, देन वो हमारे लिए यूजफुल ही नहीं है, राइट। एंड लास्ट वन इज मोनोटोनी। मोनोटोनी मीन्स के एक ऐसी होनी चाहिए जिसके साथ जो रिपीटिव वर्क जो है वो किया जा सके। ऐसा ना हो कि एक बार काम कर लिया, उससे बोर हो गए, दोबारा उसे चलाने का मन नहीं हो रहा है, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। मशीन ऐसी हो जिसके साथ हमें कुछ सीखने को भी मिले और उसको चलाने के लिए हमें इजी से इजी जो है हम उस चीज़ों को वेयर कर पाए। होपफुली आपको हर चीज़ डिटेल में जो है क्लैरिफाई होगी होगी। तो अगर आपको किसी और कंसेप्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप जो है इनबॉक्स में जाके, कमेंट बॉक्स में जाके जो है मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।